हाँ जी दोस्तों, अज थोड़े लिए लैके आया फार्म ट्रैक 45। ये हैगा आ 45 EPI पावर मैक्स न्यू मॉडल च आया है। सलांसर इन्हों का हूँ बाहर कर दिता है पावर मैक्स, जिदा कि 50 आना हों 60 आना हों ना उदा भाई भी पावर मैक्स सीरी आ गई है। जे आप करिए शो की गल सिंगल बोनट वैसे सारा ही, तो हूँ आप दिखाने सारी दसा सू फुल जानकारी यदि कि पिछले हिस्से की तो फ्रंट की है ना। तो यदि जो हम आप गल करिए फ्रंट टायर की, 7/16 का फ्रंट टायर वा मेन, यद बंपर फिटेड आ कंपनी, फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल, तो यदा जोड़ा पावर स्टेयरिंग वा वो डबल एक्टिंग, सिंगल पीस बोनेट वा यदा सारा न्यू लुक है। पावर मैक्स मेन पार्ट जिदा ट्रैक्टर जो मेन होंगे वो इंजन होंगे आ। जो हम आप इंजन की गल करिए है 3443 CC का इंजन वा, 37.28 kW वा यदि, 50 HP कैटागरी आता है, जिदा उदा 49 kW की पावर, बुश का पंप होगा, 3 सिलेंडर वा। सिंगल बोनट नवी लुक जा कर दिता होनी है ना, बस पुराना भी आता है मेन पंप की जिदा है ना गलबात सारी, तो सारा सेम अपने वाटर सपरेटर वा, डीजल फिल्टर वा, थले एक दिता है बैटरी बॉक्स साइड से करता। जे आप गल करिए टेंकी की, फ्यूल टेंकी यदि है 60 लीटर की, 50 HP, तो 50 कैटागरी आता है, जिदा पूरा 50 नहीं मिलना थानू RC उत्ते है ना, उत्ते 49 होना, तो ऑयल वाला एयर क्लीनर आता है, तो सलांसर यदा बाहर दिता है वो, पर थोड़ा जहा अजीब जहा लगता जी, पहला वागू देंदे तो ज्यादा वधिया सी, हीट कट दिता है, तो यह पहली सर्विस होनी है यदि तो पता ही है 50 ते होंगी है, बाकी 500 घंटे की होनी है ना सारी सर्विस, कल्ली पहली सर्विस 50 घंटे पर है यदि, बाकी सारी 50 ते होनी 500 ते होनी है 500 घंटे दे। ते पहला यह एक डीजल वाला लिफ्ट का पंप वा, तो पावर स्टेयरिंग का पंप दोनों इकट्ठे ही है, तो यदा जो पावर स्टेयरिंग का ऑयल वो दिता है सैपरेट, फ्रंट एक्सल भी बहुत वधिया भारा हैवी, ड्यूअल क्लच ते सिंगल क्लच च दोनों आउंदे आ, केयर बटन वा इहदा 24/7 तुसीं कॉल कर सकदे आ, इहदे स्टैप दित्ता है चढ़ने नूं सिंगल, साइड शिफ्ट वा बहुत वधिया, जाने नूं बहुत वधिया एरिया खुला डुला जिद्दां मर्जी है ना बैठो, बहुत आरामदायक चलाउण नूं, ये नहीं चेंज ही करता टुल, 5 गेयर वा, 4 फारवर्ड 1 रिवर्स वा, लो हाई मीडियम, कला लो हाई है सॉरी मीडियम नहीं है, जो ब्रेक तो साइड शिफ्ट प्रॉपर वा थले जी, जिदा ये लेफ्ट लीवर साइड पर दिते हैं, PTO इधर साइड पर है लीवर, ये मेन इतने पूरी जानकारी दी है, मल्टी PTO चलता इतने, इतने फ्रंट नॉर्मल मिडल जबान हो जाता ना, इतना तो इतने यदि फ्यूल FC नहीं दिखती हैगी, उदा दिता है 2011-2023 का आया, इतना मार्क है और टूल फ्री नंबर वा। जो हम यदि स्पीडा की गल करिए, मीटर हीट वाला मीटर सारे बैटरी तो सू पता ही है, दसन की लड़ ही नहीं है जी, इन्ना बड़ी है ना, तो बाकी आदियाँ सारिया स्पीडा दिखा कि स्पीड कि चलना है, तो इन्हें प्रॉपर दस है।
ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹਰੇਕ ਗੇਅਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੱਸੀ ਉਹਨੀ ਵੀ ਲੋ 'ਚ ਇੰਨੀ ਆ, ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਾਈ 'ਚ ਇੰਨੀ ਆ, ਦੂਏ 'ਚ ਇੰਨੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਦੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪੀਡਾਂ ਦੀ, ਲੋ ਹਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੂਏ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਲਾਸਿਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਐਨ ਨੋਰਮਲ ਬਹੁਤ ਸੋਫਟ ਕਲੱਚ ਹੋਏਗਾ, LED ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1428 ਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, EPI ਫਰੰਟ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, EPI ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਨਕਰੋਨ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੈਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਸੰਗਲ ਲਾ ਤੇ ਆਉਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੁੱਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਹਿੱਚ ਟੋਪ ਲਿੰਗ ਦਾ, ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਦੂਏ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਟੂਲ ਬਾਕਸ PTO ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਥੱਲੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਲੈਟ ਹੋਗਾ, LED, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘੱਟਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਰੇਕ 8 ਲੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ ਔਨ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।